YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं सीसीटीवी कैमरे के बारे में प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए। तो आज हम बात करेंगे चिराग भाई से, जो आपको सीसीटीवी कैमरे के बारे में सब बता देंगे। अब हम आपको बताएंगे कैमरे के बारे में। आज के टाइम में कैमरा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है? जैसे कि अभी कोरोना हुआ था, कोरोना में जिनके पास भी लाइफ इंश्योरेंस था, उनको जो भी सिक्योरिटी मिली वो इसीलिए मिली क्योंकि वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस था उनके पास। इसी हिसाब से हमारे घर और हमारे शॉप के लिए सबसे ज़रूरी सिक्योरिटी में अगर कुछ है आज, तो आज के टाइम में है कैमरे। अभी देखेंगे हम कैमरे के बारे में, कौन से कंपनी के कैमरे है अपने पास। चिराग भाई, आप मुझे बताओ अपने पास कौन से कंपनी के कैमरे हैं। मेन प्रोबेबली हमारे पास जो चार मेन कंपनी हैं, वो चारों कंपनी के कैमराज, DVR, वेराइटी सारी मेंटेन्ड है। सबसे मेन जो चार कंपनी है कैमरा में, वो है हिकविजन, CP+, प्रामा और दौवा, जो सबसे फास्ट रनिंग है, सबसे ट्रस्टेड है और सबसे पुराने हैं मार्केट में। अभी मैं आपको इसके अंदर वेराइटीज़ बताता हूँ। ये होता है, इसे कहा जाता है बुलेट कैमरा। ये CP+ का कैमरा है, इसे कहा जाता है बुलेट कैमरा। बुलेट कैमरे की खासियत ये है कि अगर आपको शॉप के बाहर, घर के बाहर या कहीं भी लगाना है, बाहर साइड, आउटसाइड नियर द रोड या कहीं भी, तो आपको बुलेट कैमरा ही लगाना पड़ेगा। बुलेट कैमरा अप टू 20 मीटर्स कवर करता है। ये डे नाइट रहते हैं, नाइट में ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेते हैं। कोई पर्सन अगर जा रहा है तो उसमें ये दिख जाएंगे, चाहे लाइट हो चाहे लाइट नहीं हो। अभी बुलेट कैमरे में हमारे पास चार वेरियंट है, CP+ का है, हिकविजन का है, दौवा का है, प्रामा का है। इनमें दो टाइप की वेराइटीज़ आती है, 1 megapixel, 2 megapixel। अब जो लेटेस्ट वेराइटी आ रही है वो आ रही है 5 megapixel की, क्योंकि अब लोग अपडेट कर रहे खुद को फटाफट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जैसे कि आप जानते हो कि महाराष्ट्र में अभी ये ऑलमोस्ट कंपल्शन हो गया है कि हर शॉप पर कैमरा लगाना ज़रूरी है। तो आज हम आपको यही छोटा मोटा आइडिया दे देंगे इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या वेराइटी आपको लगेगी, क्या क्या टाइप के प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करने चाहिए, कौन सी कंपनी के लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए और क्या क्या यूज़ लगेगा। तो चिराग भाई, आपने तो बुलेट कैमरे के बारे में तो बता दिए, अभी कुछ ड्रोन के कैमरे बारे में बताइए। अभी डोम कैमरा किसे कहते हैं गाइस, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इसे कहा जाता है डोम कैमरा। ये कैमरा आपने बहुत टाइम बैंक्स में, कोई शॉप पर, मॉल्स पर लगे हुए देखे होंगे। इन्हें कहते हैं डोम कैमरा। ये इनसाइड लगते, ये आउटसाइड कभी नहीं लगते। इनकी रेंज होती है 10 मीटर्स की कवर करने की, और ये रहते हैं 3.6 mm में, वी शेप में 3.6 mm में। अगर आपको चाहिए कि आपको एक बहुत बड़ा एंगल कवर करना है आपकी शॉप के अंदर, मीन्स आपका काउंटर भी आ जावे, तो आपको 2.8 mm लेंस के कैमरे लेने ज़्यादा ज़रूरी होंगे। उसमें 1 megapixel आएगा, 2 megapixel आएगा, 5 megapixel आएगा। अब तो सब अपग्रेड करके 2 megapixel में आ गए। 2 megapixel से अच्छी क्वालिटी किसी में भी नहीं है। इसमें भी हमारे पास चार वेरियंट है, प्रामा, दौवा, CP+, हिकविजन, जिसमें से CP+ में 2.4 megapixel आपको मिलेगा और बाकी तीनों वेरियंट में 2 megapixel आपको मिलेगा। चिराग भाई, आपने तो अभी कैमरे के बारे में तो सब बता दिए, तो आप मुझे थोड़ा बता दीजिए एक DVR के बारे में। जो चिराग भाई मुझे बताओ, एक DVR क्या रहता है, क्या DVR? जैसे कि ह्यूमन बॉडी में एक ब्रेन रहता है, उसी तरह DVR कैमरे में ब्रेन का काम करता है। अगर आप DVR नहीं लगाओगे तो आपके कोई कैमरे काम ही नहीं करेंगे। उसके बाद फिर अगर आपको विदाउट DVR कोई आइटम लगाना है, कोई कैमरे लगाने हैं, तो आपको वाईफाई वाले कैमरे की तरफ जाना पड़ेगा। पर अगर आपको परमानेंट काम करवाना है आपकी शॉप में या कहीं लगाने के लिए, तो आपको DVR लगाना ही पड़ेगा। DVR में चार टाइप के DVR आते हैं, 4-channel DVR, 8-channel DVR, 16-channel DVR, 32-channel DVR। DVR की सबसे खासियत क्या होती है, अगर आपको 5 कैमरे लगाने हैं तो आपको 4-channel नहीं, 8-channel का DVR लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको 3 कैमरे चाहे 4 कैमरे या उससे कम कैमरे लगाने हैं, तो आपको 4-channel का DVR लगाना पड़ेगा। DVR में भी चार टाइप की कंपनी है हमारे पास। DVR में हमारे पास है प्रामा, दौवा, हिकविजन, CP+। ये चार टाइप की कंपनीज हमारे पास है DVR में। अब DVR में भी हिकविजन में तो और बहुत सारे मॉडल आते हैं, जैसे कि 1 megapixel DVR, 2 megapixel DVR, इको DVR, K1 सीरीज DVR, F1 सीरीज DVR, H1, F1 DVR, इको DVR, बहुत सारे टाइप के DVR है। आप इनमें से कोई भी कंपनी ले लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये चार कंपनी के अलावा मत जाइए, इनके परफॉर्मेंस मार्केट में बहुत बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आपने कैमरे के बारे में या DVR के बारे में अभी डील देख ली है, तो अभी बात करेंगे आप हाइडिक के बारे में। मैंने आपको बताया डोम कैमरा, बुलेट कैमरा और DVR के बारे में।
पर इसका जो हार्ट रहता है, हार्ट जिसे हम हार्ट कहते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसे कहा जाता है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क को क्या है, कितने दिन के लिए हार्ड डिस्क, कितने कैमरों के लिए, कितने दिन का बैकअप आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एक बात ध्यान रखिए, चाहे आप डोम कैमरा लगाओ चाहे बुलेट कैमरा लगाओ, मिनिमम एक कैमरा अगर जो रिकॉर्डिंग यूज़ करता है पर कैमरा फॉर वन डे इज 9 GB के। अगर आप चार कैमरे लगा रहे हो तो आप इजीली उसको कैलकुलेट करो, 9 × 4 कैमराज जो भी आएगा 36 × 30 days कर दीजिए, उस हिसाब से आपको 1 GB का वेरिएंट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको GB वेरिएंट मिलता है टोटल में 980, तो 980 GB मतलब आपको 1 TB की हार्ड डिस्क लगानी है। हार्ड डिस्क में भी चार टाइप की हार्ड डिस्क आती है, आती तो बहुत सारे टाइप की, जो रनिंग चार टाइप की वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, ये सबसे फास्ट रनिंग हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही कंपनी के लिए जाना है, वो है सीगेट, तोशिबा या WD कंपनी के लिए। इसमें दो टाइप की वारंटी में आती है हार्ड डिस्क, 1 ईयर वारंटी, 3 ईयर वारंटी। 1 ईयर वारंटी का प्राइस कम है और वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हार्ड डिस्क है। 1 ईयर वारंटी में आपको 500 GB मिल जाएगी, 1 TB मिल जाएगी, 2 TB मिल जाएगी, 4 TB तक मिल जाएगी। 3 ईयर वारंटी में आपको सीगेट कंपनी की ब्रांडेड ही मिलेगी, वो आपको जो 500 GB या 1 TB हमने बोला वो भी सीगेट की ही आती है कंपनी के थ्रू, बट वो डीलर वारंटी रहती है और इनके 3 ईयर्स वालों की सर्विस सेंटर वारंटी रहती है। आप जितने हार्ड डिस्क लगाओ, अगर आपने 2 TB का हार्ड डिस्क लगाया है तो आपको करीबन अगर चार कैमरा है तो 2 महीने का बैकअप आपको मिल जाएगा। आप 2 महीने में कभी भी चेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और हार्ड डिस्क लगाते टाइम अगर आप थ्री ईयर्स वाली लगा रहे हो तो एक बात याद रखिएगा, हार्ड डिस्क के ऊपर सर्वेलेंस ज़रूर लिखा हुआ हो, सर्वेलेंस। सर्वेलेंस हार्ड डिस्क इज द बेस्ट, सर्वेलेंस हार्ड डिस्क। चिराग भाई, अपने कैमरा DVR और हार्ड डिस्क के बारे में तो बता दीजिए, पर ये डायरेक्ट चालू होते हैं तो कैसे चालू होते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो काफ़ी क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, हम बताते हैं इसको डिटेल्स में आपको कि ये कैसे चालू होते हैं। अभी आपने कैमरा ले लिया, हार्ड डिस्क ले लिया, पावर सप्लाई ले लिया, इसमें मेन आइटम, मेन काम जो करेगा वो पावर सप्लाई करेगा। जिस तरह एक ह्यूमन को काम करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह DVR के लिए पावर का काम, खाने का काम करता है या पावर सप्लाई। पावर सप्लाई चार टाइप के होते हैं, पावर सप्लाई में 4 चैनल पावर सप्लाई, 8 चैनल पावर सप्लाई, 16 चैनल पावर सप्लाई और 32 चैनल पावर सप्लाई आते हैं। ये पावर सप्लाई इसकी 1 ईयर की आपको वारंटी आती है पावर सप्लाई की। आप कोई भी कंपनी का पावर सप्लाई ले लीजिए, RTC आप देख रहे हैं बहुत वन नोन ब्रांड है, RTC का ले लीजिए, ERD का ले लीजिए, Aztec का ले लीजिए, कोई भी आप मार्वल का ले लीजिए, कोई भी पावर सप्लाई आप ले लीजिए, पावर सप्लाई बहुत अच्छे कंपनीज के आते हैं और इनकी 1 ईयर की आपको रिप्लेसमेंट वारंटी आती है। और 99.9% अगर कुछ चीज़ ख़राब होती है आफ्टर सम टाइम, 2 ईयर्स 3 ईयर्स, तो वो पावर सप्लाई ही लेते हैं और ये एक बेसिक नॉर्मल कॉस्ट के ही आते हैं। आप खुद भी इसे लेके चेंज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। तो चिराग भाई, आपने तो कैमरे के बारे में सब बता दिए, तो आप अभी बताओ कि एक कैमरे के लिए चालू होने के लिए क्या क्या लगता है, मतलब जैसे कि मतलब छोटी चीज़ क्या लगती है? अभी कैमरे में आपने मेन बड़ी बड़ी एक्सेसरीज तो सारी देख ली, पर इनमें मेन काम छोटी छोटी एक्सेसरीज का होता है। सबसे मेन आइटम जो है वो है ये, इसे कहा जाता है BNC पिन। यही वो पिन है जो आपके कैमरे को DVR से कनेक्ट करती है, और इसे कहा जाता है DC पिन, जो कि पावर सप्लाई से लेके आपके कैमरे को कनेक्ट होगी। एक कैमरे के अंदर दोस्तों, कोई भी एक कैमरे के अंदर 2 BNC और 1 DC पिन लगती है, ये सबसे ज़रूरी होता है। इसमें सबसे मेन आपको सिलेक्ट करना रहता है कि आपको कैसी BNC और कैसी DC लगानी है। इनमें 3 टाइप के BNC आती है, 1 BNC आती है ये वाली जिसमें स्क्रू टाइप वायर फिटिंग रहता है, जो आप स्क्रू ओपन करके वायर फिट कर सकते हो। दूसरे टाइप की BNC आती है जो कि वायर BNC आती है, और तीसरे टाइप की आती है जो कि शोल्डरिंग BNC आती है। पर सबसे बेस्ट BNC और DC पिन अगर कोई होती है तो वो ये स्क्रू वाली होती है, क्योंकि ये आप खुद भी इसको चेंज कर सकते हो बिना किसी टेक्नीशियन या CCTV इंस्टॉलर को बुलाए हुए। वीडियो तो ठीक है, पर ये ऑडियो के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑडियो के लिए गाइस ऐसा है, सबसे मेन, अब हम हमारे ऑफिस में या कहीं भी लगा देंगे तो वीडियो तो हमें दिख जाता है, पर मोस्ट प्रोबेबली हमें ऑडियो मीन्स क्या बात हो रही है वहाँ पर वो मालूम नहीं पड़ता है। तो उसके लिए ये 2 प्रोडक्ट्स है, ये है इन्हें कहा जाता है CCTV माइक। अब इनमें 2 टाइप के CCTV माइक आते हैं, मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ। एक तो है ये माइक जो कि डोम कैमरे के बाजू में लगेगा, 4 चैनल 8 चैनल 16 चैनल कोई भी आप DVR ले लो, उसमें एक ऑडियो लगाने की सुविधा आपको रहती है। मीन्स अगर आपने 4 कैमरे लगाए हैं तो कोई भी एक कैमरे के बाजू में, जो मेन कैमरा आपका जैसे समझिए रिसेप्शन पे है, तो वहाँ पर आप एक माइक लगा सकते हो, तो उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ क्या बात हो रही है क्या हो रही है। एक आता है ये, इसे कहा जाता है हिडन माइक। ये हिडन माइक रहता है, मीन्स आपको आपके स्टाफ को नहीं बताना है कि मैंने यहाँ कैमरा लगाया, आपको ये देखना है कि आपके जाने के बाद वहाँ क्या बातें हो रही है आपके बारे में,
तो आप ये हिडन माइक लगा सकते हो। ये बहुत नॉर्मल कॉस्ट के माइक है और ये आपका काम बहुत अच्छे तरीके से कर देगा। दोस्तों सारी चीजें देख ली, पर एक मेन आइटम मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है जो मैंने एंड के लिए रखी थी, वो है वायरिंग। सबसे मेन काम, क्लियरिटी का काम आपको अगर कोई चीज देगी तो वो है वायरिंग। वायरिंग आप जितना अच्छा वायर लगाओगे वो उतने ज्यादा टाइम आपको चलेंगे और बहुत कम आपको उसमें मेंटेनेंस आएगा। अभी एक वायर बंडल मैं आपको बताता हूँ जो कि है डीलिंग कंपनी का 3+1 90 मीटर डीलिंग कंपनी का वायर है। ये वायर सबसे बेस्ट क्वालिटी का मार्केट में अवेलेबल है अभी के टाइम में, और ये वायर 3+1 प्योर कॉपर होता है। इनमें आप अगर कम वेरिएंट में जाओगे तो 4+1 भी आपको मिल जाएगा जो कि लोकली हर शॉप पर अवेलेबल हो, पर आप लेते टाइम एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि उसमें एल्यूमिनियम या मेटल ना खरीदे और कॉपर खरीदे। कॉपर ही एक ऐसा वायर है जिसमें रस्ट नहीं लगेगा और आपकी क्लियरिटी को 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों।